नमस्कार बरेली समाचार। हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कैंट क्षेत्र का जो हत्या हो गई है, उसमें जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और आरोपी के संपत्ति पर बाबा का बिल्डर चलाया जाए। सभी को पहले मैं जयश्रम बोलूंगा, और आज हम लोग जो जब आगंतुक अधीक्षक बरली आए हैं, उनसे हम शिष्टाचार भेंट करने आए हैं। यार शिष्टाचार भेंट नहीं चलता, वो तुम मेन मुद्दे पे आओ जरा सा। शिष्टाचार भेंट करने आए, एक मिनट जाए। और उसके साथ साथ अभी जो परसों थाना कैंट में एक जिसान नाम के व्यक्ति और उनके साथियों द्वारा एक रिटायर फौजी की हत्या की गई है सुनियोजित तरीके से, उसको हम कहें पूरी तरह पर्दाफाश करके अब जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जाए तुरंत। कट करो, पहले कट करो, दोबारा से होगी। और किस क्या आपने साहब को आज हमारी नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यही मांग रही है कि जो परसों जो हत्याकांड हुआ है थाना कैंट में, इसमें मुख्य अभियुक्त जो है जिसान, इसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए और बाबा का बुलडोजर उसके घर पर चलाया जाए। क्यों चलाया जाए? क्योंकि उसने समाज के ऐसे समाज में ऐसे लोग बहुत तरीके से घृणित लोग हैं, उनको समाज में रहने का किसी भी तांत्रिक काम करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या नाम है सर? नितेश कपूर। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कैंट थाने का प्रकरण है, ये पहला प्रकरण नहीं है। ये एक तरह से पूरा हिंदुस्तान में योजनाबद्ध कार्यक्रम चल रहा है, और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दबाने का कार्यक्रम चल रहा है। विषय कोई भी हो, जगह कोई भी हो, लेकिन ये आज हिंदू समाज के लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हिंदुस्तान में जो व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था है, हिंदुओं का इसमें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में रोटी का खाली प्रकरण होता तो इतनी बड़ी हत्या नहीं कर दी जाती। ये विषय बहुत गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को और सरकारों को खासकर। और आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो प्रकरण हुआ है, इस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए इस तरह की किसी भी गतिविधि को ना हो, भविष्य में ऐसी सजा जो इसके मुख्य आरोपी है उनको होनी ही चाहिए। ठीक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हम ये मांग करने आए हैं कि थाना कैंट के अंतर्गत एक विशेष समुदाय के द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक हिंदू समाज के युवक को निर्मम हत्या कारित कर दी गई, और उद्देश्य केवल इतना था कि समाज में भय व्याप्त हो और दूसरे समाज के लोग उनसे डरें। इस कारण से हमारे पूरे समाज में रोष है, और हम ये चाहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारियाँ हों, और संभव हो सके तो उनके ऊपर वो कार्रवाइयाँ जो बुलडोजर से की जा सकती हैं वो होनी चाहिए। इस मांग के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, और साथ में आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मांग करते हैं। किस बात को लेकर लड़ाई लड़ाई की जो जड़ थी वो ये बताई जा रही है कि उसने